हेलो एवरीबॉडी, आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास थर्ड चैप्टर थर्ड अंकल देव्स कार। इसका मीन्स होता है अंकल देव की कार, यानी कि अंकल देव की गाड़ी। ठीक है, ये एक छोटी सी पोइम है, हम इसको पढ़ते हैं। आई प्लीडेड विथ माय अंकल्स, मैंने अपने अंकल से निवेदन किया, यानी कि मैंने अपने चाचा से निवेदन किया टू टेक अस फॉर अ राइड, ताकि क्या है वो हमें एक गाड़ी की सवारी कराएं। ठीक है ना, मैंने अपने अंकल से निवेदन किया कि हमें कहीं सवारी पर ले चलो। माय सिस्टर ग्रैब अ विंडो सीट, मेरी जो सिस्टर हैं वो फटाक से विंडो सीट पर बैठ गई। ग्रैब मतलब होता है जल्दी जल्दी, है ना, तो मेरी सिस्टर है जो जल्दी से विंडो सीट के ऊपर बैठ गई। आई सेट राइट बाय हिज साइड, और मैं उनके बगल वाली यानी कि पास वाली सीट पर बैठ गया। वापस से इस स्टेंजा को रिपीट करेंगे। आई प्लीडेड विथ माय अंकल देव, मैंने अपने अंकल देव से निवेदन किया टू टेक अस फॉर अ राइड, कि हमें किसी गाड़ी की सवारी पर ले जाए, है ना, गाड़ी की सवारी कराओ। माय सिस्टर ग्रैब अ विंडो सीट, मेरी जो सिस्टर है उन्होंने फटाफट से विंडो सीट पर बैठ गई। एंड आई सेट राइट बाय हिज साइड, और मैं उनके राइट साइड यानी कि उनके पास वाली बगल वाली सीट पर बैठ गया। ठीक है, ही जूम अक्रॉस द गार्डन, हम जल्दबाजी में जल्दी जल्दी से जो गार्डन होता है यानी कि जो पार्क होता है उसके पास से फटाफट से निकले, यानी कि तेज से निकले, हम गाड़ी को तेज चलाते हुए गार्डन के पास होकर निकले। एंड नॉक सम हेजेस डाउन, और हमने क्या, हेजेस का मतलब होता है छोटे छोटे पेड़ पौधे, तो गार्डन के पास जैसे ही हम तेजी से निकले तो हमने क्या छोटे छोटे पेड़ पौधों का नीचे गिरा दिया। एंड नॉक सम हेजेस डाउन, यानी कि छोटे छोटे पेड़ पौधों को हमने नीचे गिरा दिया। देन बैरल ओवर द साइड वॉक इन द बिजी पार्ट ऑफ टाउन, देन उसके बाद हमने क्या साइड वॉक यानी कि फुटपाथ के ऊपर गाड़ी चलाई इन द बिजी पार्ट ऑफ द टाउन, शहर जो शहर के व्यस्त हिस्सों के जो साइड वॉक थे यानी कि फुटपाथ थे उनके ऊपर भी क्या गाड़ी चला दी। स्टैंजा रिपीट करते हैं। ही जूम अक्रॉस द रिवर, गाड़ी उन्होंने गाड़ी किसके गार्डन के पास होकर निकली, जूम यानी फास्ट में निकलना, अक्रॉस यानी कि पास होकर निकला, तो उन्होंने तेजी से गाड़ी को चलाते हुए गार्डन के पास होकर निकाले। एंड नॉक सम हेजेस डाउन, और कुछ छोटे छोटे पेड़ पत्तों को नीचे गिरा दिया यानी कि तोड़ दिया गया। देन बैरल ओवर द साइड वॉक इन द बिजी पार्ट ऑफ टाउन, और जो शहर के जो व्यस्त हिस्से थे उनके जो फुटपाथ थे उनके ऊपर भी हमने क्या कर दी, गाड़ियों को चला दी। ठीक है, थर्ड स्टेंजा पढ़ते हैं। ही जिप अलोंग अ वाइंडिंग रोड, उन्होंने जिप्ड मतलब फास्ट चलाना, क्विकली, है ना। ही जिप्ड अलोंग द वाइंडिंग रोड, उन्होंने क्या है घुमावदार सड़कों पर भी क्या है गाड़ी को तेज चलाया। अ सायरन मेड हिम स्टॉप, और एक सायरन वाली गाड़ी ने उनको रोक दिया। सायरन मतलब, सायरन किसकी गाड़ी के ऊपर होता है, पुलिस की गाड़ी, मतलब एक पुलिस वालों ने उनको रोक दिया। माई अंकल गॉट अ टिकट फ्रॉम अ वेरी एंग्री कॉप, और मेरे अंकल को क्या है एक छोटा सा टिकट मिला, अ वेरी किसके पास से मिला, अ वेरी एंग्री कॉप यानी कि एक बहुत ही खड़ूस पुलिस वाले से मेरे अंकल को एक छोटा सा टिकट मिला। अगेन स्टेंजा रिपीट करते हैं। अ जीप, ही जीप अलोंग अ वाइंडिंग रोड, उन्होंने क्या किया घुमावदार सड़कों पर भी क्या है तेजी से गाड़ी चलाई, जिसके कारण उनको एक पुलिस वाले ने रोक दिया। अंकल गॉट अ टिकट, उनको एक छोटा सा पर्चा मिला यानी कि चालान पर्चा मिला, किसके पास से, अ वेरी एंग्री कॉप यानी कि एक खड़ूस पुलिस वाले से उनको एक छोटा सा टिकट मिला यानी कि चालान टिकट मिला। ठीक है, अब फोर्थ स्टेंजा बढ़ते हैं। एट द होम अवर मदर आज, जब हम घर पहुंचे तो हमारी माँ से माँ ने हमसे पूछा, डिड ऑल ऑफ यू बिहेव, क्या ये हरकत सब तुम लोगों ने की है। तब हमने जवाब दिया, वी आंसर हर, हमने माँ को जरा जवाब दिया, ऑफ कोर्स वी डिड, हाँ जरूर हमने ये सब हरकतें हमने ही की है, एक्सेप्ट फॉर अंकल देव, अंकल देव ने कुछ नहीं किया है। ठीक है, एक बार ये पोएम वापस से रिपीट करते हैं हम लोग। आई प्लीडेड विथ माई अंकल देव, मैंने अपने अंकल से निवेदन किया, अंकल देव से निवेदन किया टू टेक अस फॉर राइड, कि हमको एक क्या है गाड़ी की सवारी कराओ। माई सिस्टर ग्रैब्ड अ विंडो सीट, मेरी सिस्टर जो मेरी बहन थी उन्होंने फटाफट से कौन सी विंडो सीट
पे कब्जा कर दिया, यानी विंडो सीट के ऊपर बैठ गई। आई सेट राइट बाय हीज साइड, और मैं उनके पास वाले यानी कि राइट साइड वाली जो सीट थी उनके पास मैं बैठ गया। ठीक है, ही जूम अक्रॉस द गार्डन, हम तेजी से क्या है गार्डन के पास होकर गुजरे, तो क्या हुआ, एंड नॉक सम हेजेज डाउन, और हमने क्या कुछ छोटे छोटे पेड़ पौधों को नीचे गिरा दिया यानी कि तोड़ दिया गया। देन बैरल ओवर द साइड वॉक इन द बिजी पार्ट ऑफ टाउन, और शहर के कुछ व्यस्त हिस्सों में हमने क्या किया, साइड वॉक जो फुटपाथ थे उनके ऊपर भी गाड़ी चला दी थी। ही जिप्ड अलोंग अ वाइंडिंग रोड, हमने घुमावदार सड़कों पर भी क्या तेजी से गाड़ी चलाई। अ सायरन मेड हिम स्टॉप, और एक सायरन ने हमको स्टॉप कर दिया यानी कि पुलिस वाले ने हमको रोक दिया। माई अंकल गॉट अ टिकट फ्रॉम अ वेरी एंग्री कॉप, और मेरे अंकल को एक छोटा सा पर्चा मिला, किसके द्वारा मिला, तो एक पुलिस वाले ने उनको छोटा सा टिकट दिया यानी कि चालान टिकट यानी चालान पर्चा दे दिया। एट द होम आवर मदर आस्क अस, जब हम घर पहुंचे तो हमारी माँ ने हमसे पूछा, डिड ऑल ऑफ यू बिहेवियर, क्या तुमने सब ये तुम्हारी हरकत ये सब हरकत तुम लोगों ने की है। वी आंसर हर, हमने उनको जवाब दिया, हाँ माँ ये सब हमने किया है एक्सेप्ट फॉर अंकल देव, और अंकल देव ने कुछ नहीं किया, अंकल देव के सिवा सब लोग ये क्या हम लोगों ने किया है। ठीक है, ये चैप्टर आपका पूरा हो चुका है, छोटी सी पोइम थी। इसकी वर्ड मीनिंग थे प्लीडेड मतलब अपील यानी कि निवेदन करना, ग्रैब ऑब्टेन क्विकली यानी कि फटाफट से लेना, जूम ट्रेवल वेरी क्विकली फटाफट से उसके पास होकर जल्दी से गुजरना, जिप्ड मूव एट रैपिड पेस यानी कि फास्ट में निकलना, सायरन अ डिवाइस मेक अ लॉन्ग लाउड वायरिंग साउंड, सायरन क्या होता है पुलिस पुलिस गाड़ी के ऊपर लगा होता है जो क्या है बहुत दूर दूर तक उसकी आवाज़ें हमको सुनाई देती हैं। अब कॉप का मतलब क्या होता है, अब पुलिस ऑफिसर, ये कॉप लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है पुलिस ऑफिसर है ना। ठीक है, ये आपका चैप्टर थर्ड की वर्ड मीनिंग हो चुकी है, अब हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, टिक द करेक्ट ऑप्शन, अ बॉय प्लीडेड विथ हिज अंकल देव, ऑप्शन बी पर टिक करना है। अ बॉय सिस्टर ग्रैब द विंडो सीट, ऑप्शन बी पर टिक करना है। अंकल देव जिप्ड अलोंग द वाइंडिंग रोड, ऑप्शन ए पे टिक करना है। एंड अंकल देव नॉक सम हेजेस, हेजेस इधर देखो ऑप्शन में आपको कुछ नहीं दिया हुआ है तो आपको लिखना है हेजेस डाउन, कहीं पे भी लिख लो और हेजेस डाउन पर आपको टिक करना है। ऑप्शन सी पर आपको ये रेन काट कर इधर क्या लिखना है DOWN डाउन लिख के फिर ऑप्शन सी पर आपको टिक करना है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड, आप तो फिल इन द ब्लैंक्स, ये जो रिक्त स्थान दी हुई है इसको खाली जगहों को भरना है। ये देखो वो हेल्पलाइन भी दी हुई है, फर्स्ट पढ़ते हैं। अ पोइट सिस्टर ग्रैब्ड अ विंडो सीट, ठीक है तो आपको इस खाली जगह में क्या बनना है विंडो। अंकल देव जूम अक्रॉस द गार्डन, तो आपको खाली जगह में क्या बनेंगे GARDEN गार्डन बनेंगे। थर्ड ए डैश मेड हिम स्टॉप, सायरन मेड हिम स्टॉप, तो आपको खाली जगह में क्या बनेंगे SIREN सायरन। फोर्थ में क्या बनेंगे द पोइट्स अंकल गॉट अ टिकट TICKET टिकट बनना है। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। हु हैड अ कार, अब गाड़ी किसके पास थी तो अंकल देव हैड अ कार। सेकेंड क्वेश्चन है हु वॉन्टेड अ राइड ऑन द कार, गाड़ी की सवारी किसको करनी थी तो अ पोइट वॉन्ट टू राइड अ कार। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड इधर देखो, वापस से फर्स्ट क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, हु हैड अ कार, अंकल देव हैड अ कार, ये दिया हुआ है। हु वॉन्टेड टू राइड ऑन अ कार, पोइट्स वॉन्टेड टू राइड ऑन अ कार। वेयर डिड ही सिस्टर सिट, उसकी सिस्टर कहाँ बैठी थी, अ सिस्टर सीट ऑन द विंडो सीट के ऊपर बैठी थी। वाई डिड ही स्टॉप द कार, बिकॉज दे मूव फास्ट अलॉन्ग द वाइंडिंग द रोड, क्योंकि वो क्या है घुमावदार सड़कों के ऊपर क्या है तेजी से जा रहे थे। ठीक है, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।